Hello, dear aspirants. As we discussed that we will share past paper discussion question, past paper questions solution with you of accountancy and auditing. I am Amna Mohsin. We will discuss question number one of attempt 2020 of CSS. Okay, first we will रीड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन. वट आर द रिक्वायरमेंट, हमारे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है. ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में. हर पास पेपर, अगर आप पास पेपर एनालिसिस करें, हर पास पेपर में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है, ठीक है, और साथ में एडजस्टिंग एंट्रीज करनी होती है. यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें जो हमारे पास पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स. अगर आप देखें इसमें हमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट वन जो पार्ट है उसमें उन्होंने कहा जर्नलाइज सितंबर ट्रांजैक्शन. हमें उन्होंने ये एक मंथ की जो है वो ट्रांजैक्शन दी हुई है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है. यानी डबल एंट्री जैसे नॉर्मल में करते हैं, एक चीज़ डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज करनी है. और फिर क्या करना है, हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज करके एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना है. ट्रायल बैलेंस में जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, सारे जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, सारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन पार्ट बी में उन्होंने हमें कहा जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज. एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है. एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी होती है, जब भी हम अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, हमारी कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो इस पीरियड से रेलिवेंट नहीं होते, ठीक है, वो नेक्स्ट पीरियड से रेलिवेंट होते हैं. हमने हमेशा इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फॉर द ईयर, आपने जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हमेशा फॉर द ईयर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, जो भी पीरियड है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ जो ईयर का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं उसी से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें. जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या जो पिछले साल से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस हैं, वो हम लोग इस साल से रिलेटेड जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एड अप नहीं करेंगे. इसलिए हम लोग जब हमारा साल कंप्लीट होता है, क्लोजिंग होती है ईयर की, तो हम कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज डालते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या करना है, पार्ट बी में एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है और फिर बाद में उन एडजस्टिंग एंट्रीज की बेसिस पे दोबारा से ट्रायल बनाएंगे. लेकिन ये कौन सा ट्रायल होगा, ये एडजस्टेड ट्रायल, मींस इसमें हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज को कंसीडर करते हुए, एडजस्टिंग एंट्रीज की एंट्री को डालते हुए हम लोग जो बैलेंसेस आएंगे वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा. जो पहले वाला जो ट्रायल बैलेंस है वो अनएडजस्टेड होगा, वो सिंपल होगा. इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेके फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. एंड द पार्ट सी इज अबाउट टू राइट द प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बनानी है, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है. इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो मेरा ख्याल है कि जब जो पर्सन भी, जो भी आप में से अकाउंटिंग के लिए अपेयर हो रहा है, उनके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उसका फॉर्मेट पता होता है. जो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि पहले जो प्रीवियस अटैम्प्ट में देखा जाए पिछले 3-4 साल पहले, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में वो नहीं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट नहीं बनवाता था, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी कभी भी नहीं उसने रिक्वायर किया. लेकिन अब वो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाता है. अब रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट क्या होती है, इसका क्या फॉर्मेट है, वो जब हम लोग ये पार्ट सी करेंगे वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. क्योंकि ये जस्ट मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक सेशन करना चाह रही हूँ, ताकि हम लोग इसमें जो टॉपिक्स आपके नहीं भी हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा टच करती जाऊँ. डिटेल में फिर हम लोग जो है वो क्लास में या टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है. अच्छा जी, फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट वन पार्ट में उन्होंने हमें कहा कि जी आपने क्या करना है, आपने जर्नल एंट्री करनी है. हम लोगों ने जर्नल एंट्री जो करनी है, ये हमारे पास उन्होंने कहा ऑन सितंबर 1st 2011 द अकाउंट बैलेंस ऑफ आर एंड इक्विपमेंट रिपेयर इंश्योरेंस वर एज फॉलोज. ये कंपनी है उसकी, ये उन्होंने हमें बता दिया ये उनके लेजर के बैलेंसेस हैं, ठीक है.
डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए उन्होंने, और फिर नीचे उन्होंने हमें सितंबर के मंथ की ट्रांजैक्शन दी हुई है, ये सितंबर के मंथ में ट्रांजैक्शन हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पार्ट वन करते हुए हम लोग पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्री करते हुए मैं देखिए, हम लोग फर्स्ट एंट्री उन्होंने क्या सितंबर 8 में किया हुआ, पेड रुपीज 1400 फॉर सैलरीज ड्यू एम्प्लॉयज ऑफ विच रुपीज 900 इज फॉर सितंबर। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया है 1400 की हम लोगों ने, इसको रेज कर देते हैं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। सितंबर 8 हम लोगों ने यहाँ पे डेट लिखी, 8 सितंबर को क्या हुआ, उन्होंने 1400 रुपीज सैलरीज पे की एम्प्लॉयज की, ठीक है। उनमें से जो 900 की जो सैलरीज थी वो सितंबर के मंथ की थी, ठीक है। इट्स मीन उन्होंने टोटल पेमेंट कितनी की थी 1400 की, उनमें से 900 जो सैलरीज थी वो सितंबर के मंथ की थी, ठीक है। बाकी जो सैलरीज वो पहले वाले पिछले मंथ की होगी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सैलरीज एक्सपेंस को 900 से डेबिट किया, क्योंकि ये सितंबर के मंथ का एक्सपेंस था। 1400 टोटल पे किए, कैश को क्रेडिट किया 1400 से, जो 500 बैलेंसिंग फिगर आई उससे हम लोगों ने सैलरीज पेएबल को जो है डेबिट कर दिया। हम लोग ये समझ रहे हैं, हम लोग ये कंसीडर करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं या एक अंडर स्टूड बात ये है कि जो 500 की अमाउंट है ये पिछले कोई मंथ में कुछ ऐसी सैलरीज होंगी जो पेएबल हमने रिकॉर्ड की होंगी, जो पे नहीं की होंगी, तो इस मंथ में सितंबर के मंथ में हम लोगों ने इसको पे कर दिया है। इट्स मीन 1400 क्रेडिट होगा कैश, और 900 से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होगा, और 500 से सैलरीज पेएबल डेबिट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन उन्होंने कहा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 10 की, रिसीव रुपीज 1200 कैश फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अकाउंट। कस्टमर्स ऑन अकाउंट का क्या मतलब है, कि हम लोगों ने कोई अपनी क्रेडिट पे चीज़ें सेल की हुई थी, कोई रिसीवेबल बुक किए हुए थे, ठीक है, उनसे हमें क्या हुआ, हमें कैश मिल गया। इसका मतलब है कैश को डेबिट किया, कैश डेबिट कर दिया 1200 से, और क्रेडिट किया अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारी 12 सितंबर की एंट्री है, रिसीव रुपीज 3400 कैश फॉर सर्विसेज परफॉर्म इन सितंबर। इट्स मीन ये कंपनी क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उस सर्विसेज के अगेंस्ट उसको कितना कैश मिला, 3400, ठीक है। इट्स मीन कैश 3400 का मिला है, वो सर्विसेज के अगेंस्ट मिला है। सर्विसेज के अगेंस्ट हम लोगों को दो तरह से हम बिजनेस से कैश मिलता है, या सेल्स दो तरह, एक जो होती है सर्विसेज के अगेंस्ट रेवेन्यू होता है, और गुड्स के अगेंस्ट हम लोग सेल्स करते हैं। ओके, 12 सितंबर को हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी, राइट, वुड बी कैश डेबिट विद 3400 कैश मिला है हमें, और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। सर्विसेज के अगेंस्ट जो है, अगर गुड्स सेल करें तो वो सेल्स आती हैं, और अगर सर्विसेज परफॉर्म करें उसके अगेंस्ट रेवेन्यू आता है। टर्म्स है सेम चीज़ है, जस्ट टर्म डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन 15 सितंबर को उन्होंने कहा, परचेज स्टोर इक्विपमेंट ऑन अकाउंट रुपीज 300। हम लोगों ने स्टोर इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब जब भी आए कि हम लोगों ने कैश नहीं पे किया। पीछे भी हम लोगों ने कस्टमर ऑन अकाउंट की बात की, इसका मतलब है ये कोई ऐसा कस्टमर का था जिसको हमने क्रेडिट पे सेल की हुई थी। अब हम लोगों ने स्टोर इक्विपमेंट भी जो बाय किया है वो ऑन अकाउंट किया है। ऑन अकाउंट का मतलब है कि हमने इसकी पेमेंट इन कैश या थ्रू बैंक नहीं की, बल्कि ये हम लोगों ने उस पार्टी को जो है, हम अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे कि इन फ्यूचर हम उस पार्टी को पे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 17 सितंबर की हमारी एंट्री है, परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट। ये भी सप्लाईज खरीदी है हम लोगों ने, ऑन अकाउंट का मतलब है हम लोगों ने क्रेडिट पे खरीदी है। हम लोगों ने क्या करना है, सप्लाईज को डेबिट करना है विद 1200 और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। 20th को क्या हुआ, पेड क्रेडिटर रुपीज 4500 ऑन अकाउंट। हमने अपने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया है, 4500 रुपीज पे कर दिए हैं। तो इट्स मीन अकाउंट्स पेएबल डेबिट होंगे जब हम पे कर देते हैं उनको, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एंट्रीज हैं, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल डबल एंट्री जो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। पेड सितंबर रेंट, हम लोगों ने सितंबर का रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। और पेड सैलरीज, हमने सैलरीज पे की हैं 1250 की, 1250 सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। परफॉर्म सर्विसेज ऑन अकाउंट, हम लोगों ने सर्विसेज परफॉर्म की हैं
ऑन अकाउंट, यानी अभी हम लोगों ने इसके अगेंस्ट कैश नहीं लिया, एंड बिल कस्टमर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड रुपीज 1500। हम लोगों ने क्या किया है, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन अभी हमने उसके अगेंस्ट कैश नहीं लिया, इट्स मीन ये रिसीवेबल हमें इसको करना पड़ेगा, अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, ठीक है 1500 से। 29th of September को हम लोगों के लिए जो ट्रांजेक्शन की वो थी रिसीव रुपीज 650 फ्रॉम कस्टमर फॉर फ्यूचर सर्विसेज। हम लोगों ने 650 रुपीज जो है वो रिसीव किए कस्टमर से फॉर फ्यूचर सर्विसेज, अपनी फ्यूचर सर्विसेज से रिलेटेड, यानी हम लोगों ने सर्विसेज आज प्रोवाइड कैश आज कस्टमर से ले लिया लेकिन हम लोगों ने सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है, इट्स मीन इट इज अर्न अर्न रेवेन्यू। एडजस्टिंग एंट्रीज के जब हम करते हैं वहाँ पे हम अर्न अर्न रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैश मिल गया और हमने क्रेडिट कर दिया अर्न अर्न रेवेन्यू को, ये भी एक अकाउंट हेड होता है, ठीक है, अर्न अर्न रेवेन्यू को क्रेडिट कर दी। ये तो हम लोगों ने पार्ट ए जो था जर्नलाइज द सितंबर ट्रांजेक्शन, हम लोगों ने सितंबर की सारी जो ट्रांजेक्शन हुई थी सितंबर के मंथ में वो हमने सारी जर्नलाइज कर दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन उसका पार्ट जो रहता है, उसका सेकंड पार्ट था, पार्ट ए का रिमेनिंग पार्ट है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड दिस वन इज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मीन्स इसमें अभी एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाएंगे एज एट सितंबर 30, 2011, और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट यही होता है, एक साइड डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बस यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सारे अकाउंट हेड्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस वो लिखते हैं और साथ में हम लोग डेबिट वाले जो है होंगे बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो उन्होंने हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये हमारे क्वेश्चन में अगर आप देखें जो उन्होंने हमें डेबिट और क्रेडिट दिए हुए, हम लोग उसी को ही उन्हीं अकाउंट बैलेंसेस को यूज़ करते हैं। हमारा पहला अकाउंट बैलेंस था कैश, हम लोगों ने पहले इसमें कैश लिख लिया, ठीक है, इसमें कोई जैसे बैलेंस शीट और उसका जो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि पहले ये वाले अकाउंट हेड्स लिखने हैं और जिस तरह इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इस तरह से ट्रायल का ऐसा कोई नहीं, बस ये ख्याल रखना है कि डेबिट वाले डेबिट साइड पे अमाउंट्स लिखे और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड पे। हम लोग इसी अरेंजमेंट से करेंगे, कैश हम लोगों ने सबसे पहला अकाउंट लिया, कैश अकाउंट का हमें जो बैलेंस दिया हुआ था लेजर बैलेंस जो हमें उन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन में वो था 4880। अब इसमें हम लोगों ने जो हमने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर जो ट्रांजेक्शन किए उनके इफेक्ट डाल के फिर हम लोगों ने अपने बैलेंसेस लिखने हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ कैश आया, यहाँ पे 1400 कैश क्रेडिट हुआ, इट्स मीन 1400 माइनस करना है, 1200 डेबिट हो रहा है, ऐड अप करेंगे कैश 1200, ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट वन भी कैश डेबिट है, इट्स मीन 3400 ऐड अप करने हैं, ठीक है, आप देखते जाए 3400 मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट वन जो कैश की ट्रांजेक्शन आ रही है वो आ रही है ये 4500 से कैश क्रेडिट हुआ, इट्स मीन मैंने मुझे 4500 को माइनस करना चाहिए, ठीक है, मैंने 4500 को माइनस किया यहाँ पे। नेक्स्ट वन जो कैश की 4500 के बाद 500 कैश क्रेडिट हो रहा है, 500 कैश का माइनस करेंगे और 1250 भी कैश माइनस करेंगे, ठीक है, मैंने 4500 एंड 1250 भी माइनस किए, 500 लेस 500 लेस 1250, ठीक है। एंड लास्ट वन जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी कैश से रिलेटेड, हमने कैश को 650 से डेबिट किया था। कैश जो है वो डेबिट नेचर का अकाउंट है, एसेट नेचर का अकाउंट है, इसलिए जो है उसका डेबिट बैलेंस होगा, जो डेबिट होंगे यहाँ पे जो जो जर्नल एंट्री में जब कैश डेबिट हो रहा होगा उसको ऐड अप करते जाएंगे, जब क्रेडिट होगा तो माइनस करते जाएंगे, ठीक है, सबको ऐड लेस करके हम लोगों ने हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2480, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारा अकाउंट हेड है हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ डेबिट बैलेंस वो है अकाउंट्स रिसीवेबल, हमने अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस लिया 3520। अब इसमें देखते हैं हमने जो जर्नल एंट्री की है उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल कहाँ कहाँ पे जो है हमें यूटिलाइज है, ये सेकंड एंट्री में देखें अकाउंट्स रिसीवेबल इज ऑल्सो डेबिट नेचर, ये डेबिट नेचर का अकाउंट है तो जब ये क्रेडिट होगा तो ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया 12 जितना बैलेंस है उसमें से 1200 माइनस किया, ठीक है, और इसके बाद फिर अकाउंट्स रिसीवेबल कहाँ पे आ रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल ये 27 सितंबर को क्या हुआ, हम लोगों ने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट किए 1500, इट्स मीन वी शुड ऐड 1500 हेयर,
ओके जी, ये हमने 1500 ऐड कर दिया और 1200 लेस कर दिया अकाउंट रिसीवेबल से, ये हमारा बैलेंस आ गया। इसी तरह ये सब करते हुए अकाउंट्स को एडजस्टिंग एंट्रीज इसी तरह से जिस तरह से मैंने किया है, जो हमें बैलेंसेस दिए हैं उन्हीं बैलेंसेस को देखते हुए, ठीक है, हम लोगों ने सब बैलेंसेस को देखते हुए में जो एड लेस होंगे हमने उसको एड लेस करना पड़ेगा। ओके इसी तरह हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को भी जो है कंसीडर करते हुए में जो भी है एडजस्टमेंट, जिसमें जो जिसकी जर्नल एंट्री हुई है उनकी अमाउंट डेबिट में डेबिट ऐड करके या लेस करके हम लोगों ने इनकी बैलेंसेस अकाउंट्स के निकाल के ये हम लोगों ने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया, ये डेबिट बैलेंसेस, ये क्रेडिट बैलेंस, और ये चेक करने के लिए वेदर हमारा ठीक है कि नहीं, हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल आ गया, इट्स मीन हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज ऑल राइट। अब नेक्स्ट वन, ये हम लोग अभी तक पार्ट वन किया है, पार्ट ए किया है इसका क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट वन पार्ट इज अबाउट, पार्ट बी इज जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज। अब हमने क्या करनी है, एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है और क्या करना है, इन एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करते हुए, इनको एडजस्ट करते हुए हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे, जो ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का वही लेंगे, यही बैलेंसेस लेंगे और जो हमने जस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज की हुई हैं उनका इफेक्ट लेते हुए बाकी बैलेंसेस इसी तरह से जाएंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज कहाँ से करेंगे, ये हम लोग अगर ये सितंबर की एंट्रीज के नीचे है, उन्होंने कहा एडजस्टमेंट डाटा कंसिस्ट ऑफ, उन्होंने हमें बताया हमने एट द एंड ऑफ पीरियड या एट द एंड ऑफ ईयर ये एडजस्टमेंट करनी है, क्या कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, सप्लाईज ऑन हैंड रुपीज 1200। हमारे पास जो सप्लाईज जो थी ऑन हैंड, जब हम लोगों ने इन्वेंट्री हो हमारे पास स्टॉक कोई पड़ा हो, जब ईयर एंड होता है तो क्या करते हैं हम लोग स्टॉक काउंट करते हैं, उसमें फिर हम देखते हैं कि वेदर हमारे पास कितनी है इन्वेंट्री, कितनी रह गई, कितनी सप्लाईज या कितना स्टॉक रह गया, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, और बाकी की हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर हम लोग कंज्यूम किस तरह से हुई है, ठीक है, वो हमारी कंज्यूम में आ जाती है, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में इसको कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन एडजस्टिंग एंट्री जो है वो है एक्रूड सैलरीज। अच्छा, फर्स्ट वन जो है सप्लाईज ऑन हैंड, हमारे पास सप्लाईज ऑन हैंड कितनी थी, सप्लाईज हमारे पास थी कितनी, 2000 थी, ठीक है, सप्लाईज यहाँ पे 2000 थी। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हम लोग देखें सप्लाईज, ये देखें, ठीक है, हमारे पास 3200 की सप्लाईज थी जब हम लोगों ने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा 3200 की आपके पास थी, लेकिन अब कितनी रह गई हैं, अब आपके पास कितनी बच गई हैं सप्लाईज, 1200 आपके ओन हैंड है, आपके पास अब 1200 बच गई हैं सप्लाईज, इट्स मीन हमारे पास कितनी हम लोगों ने ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द मंथ सितंबर मंथ कितनी हम लोगों ने सप्लाईज यूज़ की हैं, उसकी हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज डालेंगे, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। ओके, आई एम मूविंग दिस सो दैट वी कैन डू इट ईजीली, हम इसको क्वेश्चन सामने रखते हुए हम लोग ईजीली अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज कर पाएँ, ठीक है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन है उसको ड्रैग कर दिया इधर को। अच्छा जी, नेक्स्ट वन एडजस्टिंग एंट्रीज, फर्स्ट वन जो है सप्लाईज ऑन हैंड 1200 हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे पास कितनी हम लोग एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास कितनी हम लोगों ने कंज्यूम कर ली है, हमारे पास ट्रायल में देखा जाए ट्रायल में कितनी आ रही थी सप्लाईज, हमारे पास सप्लाईज आनी थी 3200, अब कितनी रहेगी 1200, इट्स मीन हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी, ड्यूरिंग द पीरियड कितनी यूज़ की है सप्लाईज, हम लोग 3200 माइनस 1200, ठीक है, 2000 जो है हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास जो है वो 2000 की सप्लाईज कंज्यूम हुई है, इसकी मैं एंट्री करूँगी एडजस्टिंग सप्लाईज कंज्यूम को डेबिट कर दूंगी, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट बनेगा, और सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया क्योंकि सप्लाईज जो है वो यूज हुई है इतनी, इसलिए मैंने सप्लाईज कंज्यूम को डेबिट कर दिया अकाउंट को और सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया, इट इज स्टॉक नेचर, ये स्टॉक है, हम इन्वेंट्री कह लें, स्टॉक कह लें, सप्लाईज कह लें, ठीक है।
नेक्स्ट वन हमारी एडजस्टिंग एंट्री है एक्रूड सैलरीज पेएबल ₹400। हमारी जो सैलरीज कितनी हमने जब ईयर एंड क्लोज किया उस टाइम हमारी 400 की सैलरीज जो हैं वो पेएबल हैं, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे हम लोग, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और सैलरीज पेएबल को क्रेडिट कर देंगे 400 से। नेक्स्ट वन उन्होंने हमें कहा डेप्रिसिएशन इज ₹100 पर मंथ। अब देखिए ये हमें सारी जो ट्रांजैक्शन दी हुई किस मंथ की दी हुई है, हमें सितंबर के मंथ की दी हुई है। उन्होंने कहा कि डेप्रिसिएशन आपने कितनी चार्ज करनी है ₹100 पर मंथ। इट्स मीन हम सिर्फ सितंबर के मंथ की एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं, वो हमें एक माह की जस्ट डेप्रिसिएशन कितनी डालनी चाहिए ₹100। अगर हमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन मांगता तो हमें 100 × 12 करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डालना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने सिर्फ हमसे सितंबर के मंथ का की बात की, सारी ट्रांजैक्शन सारा कुछ हमें सितंबर के मंथ का मांग रहा है, इसलिए हम लोगों ने 100 की सिंपल एंट्री कर देनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर देंगे क्रेडिट। ओके, एंड द लास्ट वन हमारी एडजस्टिंग एंट्री अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू। अनअर्नड रेवेन्यू जो है वो कितना है, वो उन्होंने कहा 1450 का अनअर्नड जो रेवेन्यू था वो हम लोगों ने अर्न कर लिया, यानी हमने अनअर्नड रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था जो कि अब जिसके अगेंस्ट अब हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए, इसका मतलब अब वो हमारा रेवेन्यू बन गया, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे और अनअर्नड रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे 1450 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब जब हम लोगों ने ये बना ली एडजस्टिंग एंट्रीज करनी, अब हमने देखिए हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते हुए देखना है कि हमारा कौन से अकाउंट हेड इससे इफेक्ट हो रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री। सप्लाईज कंज्यूम, सैलरीज पेबल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अनअर्नड रेवेन्यू, ये सिर्फ अकाउंट हेड्स हमारे अफेक्ट हुए। इसमें कैश, जितना कैश हमारे पास अनएडजस्टेड कैश की कोई एंट्री नहीं है, इसलिए कैश का जो बैलेंस हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल में है 2480 का, वही वाला बैलेंस हमारा एज इट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सारे जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हैं वही लिखने हैं विद एक्सेप्शन जो हमारे अकाउंट है एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ पे कोई भी नहीं हुए, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल की भी वही फिगर होगी जो हमारी अनएडजस्टेड में होगी, डेट इज 3820, हमने एज इट इज लिख दी 3820। ठीक है, तो इसी तरह से सारे अकाउंट जो हैड इफेक्ट नहीं हो रहे वो एज इट इज लिख देने, जो हेड इफेक्ट हो रहे हैं सप्लाईज जैसे इफेक्ट हो रही हैं, सप्लाईज हमारे पास सप्लाईज का बैलेंस आ रहा था यहाँ पे 3200, सप्लाईज आर 3200, तो सप्लाईज यहाँ पे क्या हुई है क्रेडिट हुई है 32, कितने से क्रेडिट हुई 2000 से, इसलिए मैंने क्या किया 3200 में से 2000 माइनस किया, 1200 का मेरे पास बैलेंस आ गया। ठीक है, और 2000 मेरा सप्लाईज कंज्यूम का नया अकाउंट हेड है वो मैंने डाल दिया इधर सप्लाईज कंज्यूम के नाम से। ठीक है, 2000 इज डेबिट ऑन डेबिट साइड। स्टोर इक्विपमेंट ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सैलरीज का इफेक्ट हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस हम लोगों का 400 से डेबिट हुआ, इट्स मीन जो उसमें बैलेंस आ रहा था उसमें 400 एड अप कर दिया, रेंट एक्सपेंस भी एज इट इज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो ऊपर नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई हेड नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि हम एडजस्टिंग एंट्री में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट को डेबिट किया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है 100 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास 1500 थी, उसमें से 100 हम लोगों ने 100 ऐड अप किए एडजस्टिंग एंट्री वाली, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी 16000, इट्स 1600 प्लस 100 इज 1600। ओके, अकाउंट्स पेएबल देखें, यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट हमारा नहीं इफेक्ट हुआ, अनअर्नड रेवेन्यू का इफेक्ट हुआ, हमारे पास अनअर्नड रेवेन्यू का बैलेंस था अनएडजस्टेड ट्रायल में 2050। ठीक है, हम लोगों ने 2050 अनअर्नड 2050 और यहाँ पे अनअर्नड रेवेन्यू डेबिट हो रहा है, इट्स मीन माइनस करना पड़ेगा 1450, ये हमारा बैलेंस। इसी तरह सारे अकाउंट्स जिनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उनको एज इट इज़ उनका बैलेंसेस लिख देना, जिनका इफेक्ट हो रहा है उनको ऐड और लेस करके एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेके ये हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस डाल दिए। ये देखिए हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हमारा इक्वल आ गया, इट्स मीन वी डिड इट राइट। ओके, ये हमारा एक चेक हो गया कि भाई हमारा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी डेबिट और क्रेडिट ठीक आ गया और एडजस्टेड बैलेंस का भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी इक्वल आ गया, तो ये हमारे करेक्ट है।
इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया तो समझे कि हमारा हमेशा क्वेश्चन सही होगा, लेकिन एक एक वे है, एक चेक है, हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि भाई वेदर हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं। अब हम ये पार्ट ए और पार्ट बी हो गया हमारा कंप्लीट इस क्वेश्चन का, पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी में उसमें देखा जाए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसमें बाद में जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है वो उस पर हमने बात करनी है। बैलेंस शीट भी बिल्कुल नॉर्मल जैसे बनाते हैं उसी तरह से ही है। हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात कर लें। इनकम स्टेटमेंट का हमारे पास जो होता है फॉर्मेट, उसमें रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू हमें, अब जो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है एक इनिशियल स्टेप होता है, एक प्राइमरी स्टेप होता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह बनाने के लिए हमें ये ट्रायल बैलेंस चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ से सारे जो बैलेंसेज हैं यही बैलेंसेज यूज़ करते हुए हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू का बैलेंस कहाँ से लिया हम लोगों ने, अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 6350। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में हम लोगों ने जो सप्लाइज कंज्यूम हुई 2000 की वो लिखी है। फिर हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंसेस डाल लिए, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब एक्सपेंसेस कहाँ से आए, ये हमारे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आए बैलेंस, ठीक है, वो हम लोगों ने पुट किए, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 1200 का। ओके, ये सिंपल, कोई इसमें लंबा छोड़ा कुछ मुश्किल नहीं है। बैलेंस शीट में भी वही फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, उसमें एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज डालनी है। बाकी एसेट उसी तरह से स्टोर इक्विपमेंट में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की सप्लाइज, कैश अकाउंट रिसीवेबल, जो क्लोजिंग बैलेंसेस से वो कर लिए। कभी कुछ जगहों पे जो है ये एग्जामिनर एक टर्म यूज़ करता है कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जो नॉर्मल स्टॉक इन्वेंट्री को अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो मिक्सअप कर देते हैं या कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री वो चीज़ होती है, वो गुड्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हम सेल आउट करते हैं, ठीक है। मेरा कपड़े का काम है, मेरा कपड़ा मेरी इन्वेंट्री है, मेरा स्टॉक है। मैं पेंट का काम करती हूँ, पेंट सेल आउट करती हूँ, तो पेंट मेरा जो है वो स्टॉक है, ठीक है। मैं उसका काम करती हूँ, फर्नीचर बनाती हूँ, लकड़ी, वुड, ठीक है, और मेरी जो ग्लू वगैरह जो मैं लेके आती हूँ अपने पास इकट्ठे इन्वेंट्री में, वो मेरा स्टॉक है, वो मेरी इन्वेंट्री है। लेकिन अब इन्वेंट्री भी कई तरह की होती है, रॉ मटेरियल होता है, उसमें इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस होता है, और फिनिश गुड्स होती हैं। तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बिजनेस में ये तीनों तरह की इन्वेंट्री हो। जो फिनिश गुड्स सेल आउट करते हैं, एक जगह से लेते हैं और आगे जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एज इट इज़ चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और एज इट इज़ उस चीज़ को सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए फिनिश गुड ही स्टॉक होगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास रॉ मटेरियल भी होगा, गुड्स इन प्रोसेस भी होंगी या वर्क इन प्रोसेस के फॉर्म में भी होगा, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी होंगी, ठीक है। ये तीन तरह का स्टॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो कॉमन स्टॉक है, इट्स मीन शेयर्स को कॉमन स्टॉक कहा जाता है। जो हमारे पास शेयर्स होते हैं उनके लिए टर्म कभी कभार शेयर्स यूज करने की बजाय क्या यूज करते हैं, कॉमन स्टॉक करते हैं यूज, ठीक है। तो ये हमारी इक्विटी होती है, इक्विटी का पार्ट बनता है। 15,000 हमारा कॉमन स्टॉक था। रिटेन अर्निंग्स जो हैं ये कहाँ से आई हैं, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स से आएंगी। 4800 कैसे आएंगे वहाँ पे हम बनाते हैं तो बताती हूँ। और लाइबिलिटीज एज यूजुअल जैसे हम बैलेंस शीट में बनाते हैं वो सब डाल के, तो ये हमारा बैलेंस शीट भी बैलेंस है। उसके एसेट्स और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस 23,900 आ गया, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट या कन्फ्यूजिंग बात, जो वेरी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा आम पूछा नहीं जाता, वो है रिटेन अर्निंग और स्टेटमेंट। जो एग्जामिनर अब पूछने लग गया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओके, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर्मेट एंड दिस इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, ये वो नेट इनकम होती है जो हमारे पास बिजनेस में बच जाती है, जब हम अपने डिविडेंड्स पे कर देते हैं, अपने शेयर होल्डर, अपने इन्वेस्टर्स को,
जिन्होंने हमारे पास इन्वेस्टमेंट की होती इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उनको जब हम अमाउंट पे कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है हमारे पास रिटेन अर्निंग्स फॉर्म में। रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, किस तरह से इसका स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मेट, वेरी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमें पता नहीं होता चीज़ों का तो हमें बहुत डिफिकल्ट नहीं, पता नहीं रिटेन अर्निंग्स क्या, पता नहीं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको नो हाउ दे दूँ कि हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो होती है उसका जो बैलेंस होता है उसका फॉर्मेट होता है ओपनिंग बैलेंस इनके हमारे पास होता है, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट या अगर लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा नेट लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, और इसमें से लेस करेंगे हम लोग डिविडेंड्स, जो हम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं वो माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बैलेंस, ये हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमें मिलेगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमें रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस देगा वो है 3600। ठीक है, 3600 इज आवर रिटेन अर्निंग बैलेंस। ठीक है, उसमें हम नेट प्रॉफिट जो है हमारा इधर से प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट जो 1200 आया वो एडअप किया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4800। ये जो 4800 का बैलेंस है ये हम लोग यहाँ पे रिटेन अर्निंग में बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, वेरी इजी फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग बैलेंस एड नेट प्रॉफिट लेस डिविडेंड एंड दिस इज द क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। इनफैक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ही एक पार्ट हमारा आता है रिटेन अर्निंग्स का। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स का जो ये बैलेंस जो यहाँ पे निकाल रहे हैं वो इसी इधर से ऐसे ही है। देखिए ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे रिटेन अर्निंग का, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करेंगे। ठीक है, लेस करेंगे कोई बोनस इशू किया, बोनस शेयर्स हम लोग इशू करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं वो लेस करके ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। बिल्कुल जिस तरह से हम लोग जस्ट ये समझें कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक बड़ी चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग उसी का ये वाला पार्ट। अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का पार्ट ले लें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है हमारे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड दिस वन इज द टोटल। ठीक है, अब हमें अभी हम जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, दोनों का डिफरेंस बताया, बाकी हम डिटेल जो है वो अलग से हम लोग एक लेक्चर करेंगे इसके दोनों के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके जी, ये हमारा हो गया 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पास्ट पेपर ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पेपर। ओके जी, दैट्स ऑल, थैंक यू।